हेलो नमस्कार, ओम शांति। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज में आपका स्वागत है। आपको ज्ञात हो वर्ष 2015 में ये सिलसिला शुरू हुआ था। आज 21 जून छठवां वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी जलगांव के द्वारा आज हमारे पैनल में डॉक्टर की टीम है, डॉक्टर किरण पाटिल, डॉक्टर विशाखा गर्गे, डॉक्टर अंकुश कोलते और साथ ही में
हमारे ब्रह्मा कुमारी की क्षेत्रीय निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी मीनाक्षी दीदी भी आज हमारे सम्मुख उपस्थित है, साथ ही में योग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी वर्षा बहन भी आज उपस्थित है। तो चलो हम शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम। हमें पता है मोदी जी ने यूएन के जनरल असेंबली में जब स्पीच किया था तो लगभग 192 देशों में ही पहले वर्ष में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, आज उससे ज़्यादा ये बढ़ चुका है। हर साल इसकी अलग अलग थीम रहती है, तो इस साल में इस कार्यक्रम की थीम है घर में योगा और परिवार के साथ योगा, क्योंकि हम सब जानते हैं महामारी का ये जो दौर चल रहा है, इसलिए हम सार्वजनिक रूप से बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो पहले ही वर्ष हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया था, सबसे ज़्यादा दर्शक और सबसे ज़्यादा देशों में प्रोग्राम हुआ था। इस साल हमें कुछ मर्यादाएं हैं, इसलिए इस साल हम दूर दूर से इस प्रोग्राम का लाभ लेंगे, घर बैठे लाभ लेंगे और सभी परिवार सहित लाभ लेंगे। तो आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं, कार्यक्रम में सबसे पहले डॉक्टर किरण पाटिल हमारे सम्मुख है, जो कि जलगांव के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट है, जिसको इंटरवेंशन और न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है। डॉक्टर किरण पाटिल 40 साल से भी ज़्यादा राजयोग के अभ्यासी है, वह आज हमारे सम्मुख हमारे साथ बात करेंगे। तो उनके लिए एक बात है, सवाल है कि होलिस्टिक हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य, ये शब्द क्या अपेक्षित रखता है, इसका मतलब क्या है, डॉक्टर किरण पाटिल जी हमारे सामने रखेंगे। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज का दिन कितना सुंदर अवसर है, हम हमारे राष्ट्रीय योग थीम के द्वारा घर में बैठ के परिवार के साथ योग दिन मना रहे हैं। हमारे सभी दर्शकों को हम बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे और इम्यूनिटी फुल लाइफ जिए। मित्रों, आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं राजयोग विषय पर और संपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर। तो राजयोग संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए कैसे मददगार रहता है, सर्वप्रथम हम कहना चाहेंगे संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा प्रमाणित की गई व्याख्या जो है वो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा जो है वो ऐसी बताई है कि जो पर्सन संपूर्ण स्वस्थ है किसको कहा जाता है, कि जो शारीरिक मानसिक सामाजिक रीति से संपूर्ण किसी भी रोग, मतलब स्वयं को स्वयं में स्थित करना, उनकी पहचान करना, ये हम जब करेंगे तभी हम आगे की स्टेज जाएंगे। और वो है हमारे धारणा और ध्यान। धारणा और ध्यान होने के बाद समाधि, मतलब कनेक्शन जुड़ जाता है। तो ये कनेक्शन कैसे जोड़ते हैं ये राजयोग हमें सिखाते हैं। तो हम संपूर्ण स्वास्थ्य के ऊपर राजयोग का असर कैसा होता है, हम दो लाइन में सुनाना चाहेंगे कि जैसे कि देखिए, हम बोलते हैं जैसे मन होता है उसके हिसाब से बीमारियां होती हैं। आज संसार में ये प्रूव किया गया है, मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया गया है कि 90% ऑफ द डिसीजेस आर साइकोसोमेटिक। हमारे जो मानसिक पटल पर जो उसकी प्रतिक्रिया होती है उसके ऊपर से हमारे डिसीजेस होते हैं। हम देखते हैं आज लोगों के पास रहने सोने के लिए अच्छा बिस्तर है लेकिन नींद नहीं है। बहुत सारी दवाइयां है, बहुत सारे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स है लेकिन स्वास्थ्य पूर्ण नहीं है। इसी का कारण है कि हम स्व को भूल गए। स्व अस्थ मतलब स्व अंदर कौन रहता है उसको हम भूल गए। तो ये स्वास्थ्य का संपूर्ण अर्थ यही हुआ, हम
आज के प्रोग्राम के माध्यम से सभी हमारे दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि देखिए आज का दिन इतना सुंदर दिन है। देखो आज प्रकृति के हिसाब से सूर्य ग्रहण का दिन है। सूर्य ग्रहण के दिन लोग कहते हैं कि इस दिन दान करो, योग अभ्यास करो। दान हमें किसका करना है? तो योग दान करना है। योग हमारे स्वयं के एनवायरमेंट को चेंज करता है, हमारे स्वास्थ्य को परिवर्तित करता है और हमारे सराउंडिंग्स को भी परिवर्तित करता है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण है कि आप किसी भी ऐसे आदमी के पास जाएंगे, समझो जिसका चिड़चिड़ापन है, ये उसको एक मुस्कुराहट अपने आजू बाजू की स्थिति बदल देती है। तो यही कार्य राजयोग का भी है। तो राजयोग हमारे शरीर का एनवायरमेंट चेंज करता है, वातावरण चेंज करता है, हमारे आजू बाजू का, हमारे परिवार का। और जो हमारा ब्रीद वाक्य है कि हेल्थ फॉर ऑल, तो हेल्थ फॉर ऑल होने के लिए हमें ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम उसका रोज अभ्यास करें। 24 घंटे में से आधा या एक घंटा जरूर निकालें। हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम के माध्यम से हम इसको इतना सिंपल रीति बताएंगे, प्रैक्टिकल मेडिटेशन के हिसाब से बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं, घर बैठे कैसे कर सकते हैं, कार्य करते कैसे कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं योगः कर्मेषु कौशलम्, योग से हर कर्म में सफलता मिलती है और कुशलता आती है। हम उसमें जो कुशलता प्राप्त करते हैं वो योग के आधार से ही होता है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप वो बता सकते हैं, हम उसका पूरे पूरे आंसर उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे हमारे माध्यम से। अभी मैं हमारा माइक जो है वो सूत्र संचालक संदीप भाई के हाथ में देना चाहता हूँ, जो कार्यक्रम की अगली कार्यवाही करेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर किरण पाटिल जी के द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ, अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये तीनों ही स्वास्थ्य राजयोग के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। आज से 2200 वर्ष पहले पतंजलि जी ने जब योग सूत्र की प्रस्तावना किया था, तब उसका पहला ही सूत्र था अथ योगानुशासनम, योग हमें अनुशासित करता है। तो ये राजयोग के द्वारा संभव है। इस प्रकार हमने किरण डॉक्टर किरण पाटिल जी के द्वारा सुना। तो हमारे सामने हमारे अगले पैनलिस्ट डॉक्टर विशाखा गर्गे, जो कि हमारा भारत का प्राचीन योग अर्थात आयुर्वेद और योग शास्त्र इससे जुड़ी हुई जानकारी हमको देंगे। मैं उनको पूछना चाहूँगा, डॉक्टर विशाखा गर्गे जी, आप बताएंगे कि प्राचीन वैदिक शास्त्र से आप जुड़े हैं, तो योग क्या है और राजयोग क्या है, जरा आप इसमें हमको समझाएंगे कि राजयोग अन्य योगों से अलग कैसे है और उसमें सारे योग कैसे समाहित है। सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस विषय पे, क्योंकि जो जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही है, आद्य वैद्यक शास्त्र आयुर्वेद में बताया गया है कि ऋतु संधि जब होती है तो अनेक बीमारियां हमारे पास आ जाती है, इसलिए ऋतुचर्या को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। आगे भी चलकर इसी तरीके की बीमारियां ज़्यादा आने की संभावना है। इस विषय को लेने की अपेक्षा यही है कि हम लोग समझे कि कैसे हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योगा और योग ये दोनों ज़रूरी है। क्योंकि जब भारत से अपेक्षा की रही थी कि हम प्राचीन योगा की तरफ सारा दुनिया अट्रैक्ट हो रही थी, तब जो सामने आया तब वो शायद योगा ही था। जो रियल योग है वो हम क्या है वो अभी इस प्रोग्राम के द्वारा हम लोग समझते हैं, और हमें चाहिए आगे के लिए कि हम कॉम्बिनेशन बनाए रखें योगा और योग का। वैदिक शास्त्र
आयुर्वेद से जुड़े हुए होने के कारण हमें ये पता है कि जैसे आयुर्वेद में अष्टांग योग के द्वारा ये सारे योग के मतलब व्यायाम इस टॉपिक के अंडर ये सारे दिनचर्या में बातें बताई गई है। जैसा अभी आपको बताया डॉक्टर भाई ने कि जैसे अष्टांग योग में 8 स्टेप्स है, तो लेकिन अभी ये हो रहा है कि हम इन 8 स्टेप्स के ज़्यादा योग दिवस जो मना रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ आसन और प्राणायाम पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन सारे देश को सभी को स्वास्थ्य के लिए जो अपेक्षा है वो है अष्टांग योग से ऊपर की अवस्था जानने की, और उसको राजयोग कहा जाता है। हमारे साथ दीदी है, आपको राजयोग के बारे में तो डिटेल्स बताएंगे, लेकिन योगा क्या है ये जो है इसकी बेसिक, क्योंकि हमको शरीर की तैयारी जैसे भाई ने बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है, फिर मानसिक भी है, वैसे ही सामाजिक स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट है, और फिर है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और ये जो पहले जो 3 आसन स्वास्थ्य के आस्पेक्ट बताए हैं उसका जो बेसिक है वो स्पिरिचुअल स्वास्थ्य है। हम शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे रहे हैं और कुछ क्षण के लिए हम मानसिक स्वास्थ्य भी आसन और प्राणायाम से पा रहे हैं, लेकिन कंप्लीट जो है स्वास्थ्य कि जो है कि हमें अपने अंदर से पूरी तैयार होना है उसके लिए क्या है वो सारा कवर करता है राजयोग। इसलिए आज कई प्रकार के बीमारियां आ रही है वो है साइकोसोमेटिक डिसीजेस, स्ट्रेस के कारण, चिंता के कारण, डर के कारण ये बीमारियां आ रही है, और उसके लिए हमें योगासन हेल्प करते हैं हमारी प्राइमरी लेवल के ऊपर कि हम आगे पूर्ण स्वास्थ्य पाले, राजयोग का भी अभ्यास कर सके। हमें पता है कि आज हमें कहा जाता है मेडिटेशन करो, लेकिन उस मेडिटेशन के लिए कुछ स्थिति में स्थिर होना पड़ता है, लेकिन अगर बॉडी के द्वारा कुछ कंप्लेंट्स है तो हम स्थिति ले ही नहीं पाएंगे, वो मन को वहाँ लगा ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये बेसिक कंसेप्ट जो है हमें समझना होगा, उसमें यम और नियम की जो 5 बातें हैं वो स्वयं के लिए भी है और समाज के लिए भी है, उनको भी पहले एप्लीकेशन करना होगा। उसके बाद आता है आसन, फिर आता है प्राणायाम, और फिर आगे की और भी बातें वो हमें इनर साइड की तरफ ले जाती हैं। अब एक्सरसाइज ये इस युग में बहुत ही ज़रूरी हो गया है व्यायाम, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे बाहर से शारीरिक फ्लेक्सिबिलिटी है उसके लिए हम आसन तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसका असर हमारे इनर जो ऑर्गन्स है उसके फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी डिसीजेस अभी आ रहे हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस ज़्यादातर आएंगे और उसका डायरेक्टली असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, हमारे लंग्स के ऊपर हो रहा है, तो वहाँ जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी का ही पॉइंट आ रहा है। प्राणायाम हमें इसी के लिए हेल्प करता है, और बाकी हमारे शरीर के अवयव है उनको हम लवचिकता रखें उनके लिए, उसके लिए हमें आसन बताए गए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही वक्त, क्योंकि हर वक्त हम कभी भी कहते हैं कि व्यायाम करो तो टाइम नहीं है ये कहा जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम व्यायाम एक ही समय सभी करें, क्योंकि जिस तरीके का हमारे शरीर में वात पित्त कफ का प्रभाव रहता है उस अनुसार हम लोग इस एक्सरसाइज को 3 स्टेप्स में या हमारे टाइम के अनुसार सेट कर सकते हैं। तो हमारे लिए अभी ज़रूरी जो है ये हर व्यक्ति के लिए है कि हम सुबह उठे बराबर वार्म अप्स करें, जो हमारे लिए बताया गया है हर जॉइंट की जो मूवमेंट्स है आप सभी को पता है वो सारी जो मूवमेंट्स है वो हम 5-7 मिनट तक कर लें। फिर हम स्टैंडिंग पोजीशन में जो आसन है जैसे ताड़ासन है, त्रिकोणासन है, वृक्षासन है, ये 3 आसन कर ले, जिससे हमारे शरीर में रात भर सोने के बाद जो अकड़ाहट आ जाती है वो सारी निकल जाती है। फिर नहाने के बाद हम सबको पता है कि हम एक भगवान के पास 5 मिनट बैठे हैं, उस समय उस स्थिति में हम लोग अपने बैठक स्थिति के आसन कर सकते हैं या हम सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। बैठक स्थिति के आसन में हम लोगों को पता है कि पद्मासन है, वज्रासन है, वक्रासन है, अर्धमत्स्येंद्रासन है और गोमुखासन, ये आसन हमें बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं।
इसी समय को हम लोग अगर 8 बजे का टाइम हम सूर्य नमस्कार के लिए डालें तो वो सारे उसमें आसन भी कवर हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार का मतलब है कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम ये कंटिन्यू ये 10 या 12 स्टेप्स कही जाती है वो आसनों को हम कवर करें। तो 5 मिनट में हम केवल 2 सूर्य नमस्कार करते हैं, मतलब हर स्थिति को हम टाइम देते हैं 30-30 सेकंड का, तो फिर यह आसनों का हमें अच्छी तरह से फायदा हो सकता है। तो हम पहले बेसिक आसन सीख ले और फिर हम लोग इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसी समय हम प्राणायाम भी कर सकते हैं और ओंकार उच्चारण भी करते हैं। ये नहीं है कि अभी समय कि हम ओंकार को सिर्फ ओम उच्चारण करके बोले, तो ओम का मतलब है कि मैं आत्मा हूँ, तो हमें वो स्थिति में स्थित होना बहुत जरूरी हो गया है। तो सिर्फ उच्चारण को नहीं है, तो महत्व है वो स्वरूप में टिकने का, उसके बारे में भी दीदी आपको अनुभव कराएंगे ही। फिर जो बात आती है कि हम स्लीपिंग पोजीशन के आसन, तो दोपहर के हमारे वाम कुक्षी होने के बाद सायं में हम लोग कुछ लेते हैं, उसके पहले 4 बजे के करीब भी हम लोग स्लीपिंग पोजीशन के आसन कर सकते हैं। तो जब हम सीधा लेटते हैं तो है एक पाद उत्तानासन, पवन मुक्तासन आसन है, विपरीत करणी है, ये आसन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और फिर पेट के ऊपर हम लेट जाते हैं तब जो आसन है उसमें है भुजंगासन, अर्धशलभासन है, नौकासन और धनुरासन। ये 4 आसन हमारे लिए महत्वपूर्ण ठहरते हैं। एक है कि थोड़ा सा वॉक भी हम सभी के लिए ज़रूरी हो गया है, तो नहीं हो सकता है तो हम 10-10 मिनट 2 टाइम मिले, हर खाने के बाद हमारा शतपावली होना, 100 कदम चलना, इतना एक्सरसाइज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो चुका है, उतना करना जरूरी हो गया है, क्योंकि हर एक के शरीर में स्टिफनेस बढ़ते जा रहा है, दर्द बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है हम लोगों ने क्लियर किया कि व्यायाम जो है वो सभी के लिए ज़रूरी है, उसको हम योगा कहेंगे, लेकिन ये कंप्लीट योग नहीं हो सकता। आगे की जो है बाकी योग के बारे में क्या है वो भी बातें हम आगे शेयर करेंगे, लेकिन योगासन और फिर प्राणायाम जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो हम लोगों को सुबह करना ज़रूरी होता है। इसमें भी जो है कि अभी अनुलोम विलोम तक की स्टेप नहीं, तो उसके आगे की स्टेप, मतलब पूरक करना, अंतक को उपक करना और रेचक करना, ये स्टेप्स लेना हमें ज़रूरी है। और भी हम आगे जा सकते हैं, बहिकुंभक भी वो करना ज़रूरी है। फिर कपालभाति प्राणायाम अच्छा है, शाम को या दोपहर को हमें शीतली प्राणायाम करना चाहिए, और शाम को संध्या समय हम लोग जो भी प्रार्थना करते हैं उस वक्त हम भ्रामरी प्राणायाम करें, तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। अच्छा, आगे की हम लोग सूत्र संचालन देते हैं। बहुत खूब डॉक्टर विशाखा गर्गे जी। पतंजलि ने जो अष्टांग शुरू किया था उसमें 8 अंग थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम आसन और प्राणायाम के बारे में हमने सुना अभी। इसके आगे की जो 4 बातें हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसमें एकाग्रता, वस्तु का ध्यान करना, परमात्मा का ध्यान करना, और इसमें सबसे समाधि की उच्च अवस्था, इसमें सविकल्प समाधि है और निर्विकल्प समाधि है। तो मीनाक्षी दीदी आज हमारे सामने जो उपस्थित है, 50 वर्ष से भी ज़्यादा आप राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, जलगांव की पूर्व क्षेत्र संचालिका पार्वती दीदी, उनके आप आयु के लगभग 13 वर्ष में संपर्क में आए थे, तब से आप राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप एक विशिष्ट रीति से आज हमारे सारे दर्शक गणों को बताएंगे कि राजयोग का अभ्यास क्या है और किस रीति से इस महामारी में राजयोग के द्वारा हम अपने आप में संपूर्ण स्वास्थ्य और निर्भयता, दृढ़ता को ला सकते हैं, इसके ऊपर आप दर्शकों के लिए प्रकाश डालेंगे। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी मीनाक्षी दीदी जी। ओम शांति। आज बहुत अच्छा योग आया हुआ है,
जो हम योगा सीख रहे हैं सभी, इतना शुभ दिन है कि घर बैठे हम राजयोग सीख रहे, घर घर में हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं और सभी ने अभी सुना भी कि योग मन योग का अर्थ क्या है वास्तविक। तो हम तो यही कहेंगे कि सारे दिन में हम सभी मनुष्य आत्माएं योग शब्द जरूर क्या करते यूज करते हैं, कहते क्या योग था, हम भी कहेंगे क्या योग है, आज हम घर बैठे योग सीख रहे हैं। पिछले साल हम संगठित रूप से योग कर रहे थे लेकिन आज हम हर एक घर घर में बैठ के योग सीख रहे हैं। तो क्या योग है, तो योग का वास्तविक अर्थ क्या है? योग माना मिलन, योग माना जोड़, योग का अर्थ है कनेक्शन जोड़ना। स्कूल में हम सीखते थे, कहते टीचर सिखाते थे दो में दो का योग करो, माना दो में दो को मिलाओ माना चार हो जाते, माना संगठन बढ़ता है। तो वैसे आज हमारा योग उस परमात्मा पिता से आज नहीं है क्योंकि हम भूल गए भटक गए हैं। तो ये राजयोग ऐसा है, सीखने से राजाओं के भी राजा बन जाते हैं। ये राजयोग ऐसा है जो हमारी सर्व कर्म इंद्रियों पर हम जीत प्राप्त कर लेते हैं। ये राजयोग ऐसा है, इसकी महिमा बहुत अपरंपार है, इसमें गीता में भी इसका वर्णन किया है। तो भगवान स्वयं इस धरा पर आकर ऐसा राजयोग सिखा रहे हैं जो सहज और सरल है। हम घर बैठे भी योग कर सकते हैं, चाहे कहाँ भी हो, कोई भी स्थान पर आप बैठे हो तो भी परमात्मा से हम योग जुड़ा सकते हैं। तो आज हमें भगवान का सबसे पहले तो भगवान से हमारा संबंध चाहिए, भगवान का परिचय चाहिए। बिना संबंध से हम किसी से भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकते। जैसे हम चल रहे हैं सड़क पर और यदि कोई हमारा रिश्तेदार हमको संबंध मिल जाता है तो हम उससे क्या कर सकते, बातें कर सकते हैं। यदि संबंध ही नहीं होता है तो हम उससे किनारा करके चले जाते हैं। तो इसी प्रकार आज हमारा कनेक्शन टूटा हुआ है, इसके लिए हमें परमात्मा पिता से सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो परमात्मा हमको कहते हैं कि पहले आप स्वयं को आत्मा समझो, क्योंकि हम ये शरीर तो हमारा नश्वर है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, इस भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ और मैं इस परम पिता परमात्मा पिता की क्या हूँ, संतान हूँ। तो मैं आत्मा का संबंध परमात्मा से क्या है, पिता और पुत्र का है। तो ऐसे सर्व संबंध नाते भगवान से हमें जोड़ लेना है, क्योंकि परमात्मा पिता की महिमा हम भगवान के मंदिर में जाके गाते, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव। तो भगवान हमारा माता पिता बंधु सखा सर्व संबंधी एक ही परमात्मा है, जिसको अल्लाह खुदा ईश्वर प्रभु कहते हैं। उसको याद करना, योग का अर्थ होता है वास्तविक याद। कहते हैं ना, याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है। तो आज हमारी आत्मा का क्या हो गया है, पतन होते जा रहा है, हमारी आत्मा दुखी अशांत होते जा रही है। तो सुख शांति प्राप्त करने के लिए हमें परमपिता परमात्मा से सर्व संबंध सर्व नाते जोड़ना है और उसको ही राजयोग कहते हैं, मन बुद्धि का कनेक्शन भगवान से जोड़ना। क्योंकि आत्मा की जो पावर है अविनाशी वो खत्म हो चुकी है, आत्मा हमारी डिम हो चुकी है। जैसे देखो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता तो उसको चार्ज करने के लिए मेन पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, बैटरी चार्ज करनी पड़ती, वैसे हमारी आत्मा भी डिस्चार्ज हो गई है। उसको चार्ज करने के लिए मन बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा से हम जोड़ेंगे
तो हमारी आत्मा की बैटरी भी चार्ज हो जाएंगी, पावर भर जाएंगी और हम सब बुराइयों को, हम सब रोगों पर, सारे विश्व पर, कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा राजयोग परमात्मा हमको सहज सिखा रहे हैं कि हे बच्चे, हे आत्माएं, आप मुझे याद करो। उसका मंत्र है मन मना भव, मना मन से, दिल से परमात्मा पिता को याद करने से हमको एक विल पावर, आत्मिक बल मिलता है। और जब वो आत्मिक बल मिल जाता है तो आत्मा अंदर ही अंदर सुख और शांति का अनुभव करती है, अब सब रोगों पर विजय प्राप्त करती है। क्योंकि आज हम देख रहे संसार के अंदर महामारी, जो बीमारी जो पसर रही है, उसके कारण भयभीत हो गए मनुष्य, अशांत हो गए हैं, चिड़चिड़ापन आ गया है। तो उसके हमको विजय प्राप्त करने के लिए अपने मन को रोज भगवान को याद करना है, उससे सर्व नाते संबंध जोड़ना है, जिससे हमको खूब आनंद, शांति, सुख प्राप्त होता है। तो इसके लिए मैं थोड़े शब्दों में ही ये सब आपको शॉर्ट में सुना रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा राजयोग सीखने के लिए आप हमारे ईश्वर विश्वविद्यालय में प्रवेश करेंगे, समय देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए 30 जून तक ये लॉक है, लेकिन 30 जून के बाद फिर आपको बताया जाएगा। तो आप अपने समय पर राजयोग का अभ्यास यहाँ कर सीखेंगे, क्योंकि ये हठ योग तो हम करते हैं, शारीरिक योग भी हम सीखते हैं, वो अपने शरीर की प्रकृति को ठीक करने के लिए, लेकिन आत्मा के अंदर पावर भरने के लिए ये सहज राजयोग है, जो हम घर में रहकर भी, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए भी कर सकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते भी कर सकते हैं। क्योंकि ये राजयोग नुमा शाम और सुबह सुबह अमृत वेले आप ये करने का अभ्यास सीखेंगे। क्योंकि स्कूल में जैसे टीचर सिखाते हैं तो स्टूडेंट वैसे ही सीख जाते हैं, तो इसी प्रकार परमात्मा परम शिक्षक बनकर हमको रोज राजयोग का अभ्यास, सहज ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसा संबंध भगवान से जोड़ो, जैसे बिना संबंध से हम किसी को भी याद नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ किसी को, फलाने व्यक्ति को याद करो, आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपका परमात्मा से मन बुद्धि संबंध नहीं है, कनेक्शन नहीं है। और यदि मैं कहूँगी आप अपने माता पिता को याद करो तो झट क्या करेंगे, माता पिता को याद करेंगे, दोस्त को याद करेंगे, सखी सहेली को याद करेंगे। ऐसे हमें भी अपने मन द्वारा, मैं आत्मा मन बुद्धि सहित हूँ, तो इसलिए मन को एकाग्र करना ही राजयोग है, मन को परमात्मा में स्थित करना ही राजयोग है। कोई कठिन नहीं है, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता को याद करता है, तो इसके लिए हम सब अभी 3 मिनट के लिए सभी मन बुद्धि द्वारा भगवान के पास, परमात्मा के पास पहुँचेंगे। मैं जैसे जैसे आपको बोलते जाऊंगी, वैसे वैसे आप सुख शांति का परमात्मा से अनुभूति करेंगे, अपना मन परमात्मा में लगाएंगे। जहाँ संबंध स्नेह होता है वहाँ मन ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। तो इसीलिए हमें मन को परमात्मा में स्थित करना है। अभी हम सब अपने मन को चारों तरफ से समेट कर, आंखें बंद कर लीजिए आप भले, लेकिन आंखें बंद करने के पश्चात भी अपने में वो दृश्य इमर्ज कीजिए कि मैं इस शरीर के अंदर भ्रुकुटी में बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, मैं आत्मा प्रकाश में हूँ, देह से न्यारी हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा
प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सर्व शक्तियों का पुंज हूँ, शांत हूँ, मैं इस देह और देह की दुनिया से परे, सूक्ष्म लोक से भी परे, शांति देश की रहने वाली हूँ, जहाँ परम शांति ही शांति समाई हुई है, जहाँ मुझ आत्मा के पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप विराजमान है, मैं आत्मा उनके सन्मुख विराजमान हूँ, उस परम शांति सागर पिता की संतान हूँ, उनसे सर्व शक्तियाँ मुझे प्राप्त हो रही है, सर्व गुणों का भंडार है परमात्मा पिता, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर, सुख का सागर, सर्व गुणों का भंडार है परमात्मा शिव, मैं आत्मा परमात्मा पिता से सर्व शक्ति सर्व गुणों का शक्ति ले रही हूँ, और सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति प्रदान कर रही हूँ, सारे विश्व में शांति की किरणें फैला रही हूँ, शांति मेरा आत्मा का स्वधर्म है, सारे विश्व में शांति ही शांति की किरणें फैल रही है, सभी आत्माओं को मन की शांति की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो अपने मन को जानिए और अपने आत्म स्वरूप शांत स्वरूप में टिकना है हमें, और बहुत बहुत शांति का अनुभव करना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो ऐसे आप ईश्वरीय श्रद्धालय में आकर ऐसे राजयोग का अभ्यास सीखेंगे और अपनी आत्मोन्नति करेंगे, यही हमारी आप सबके लिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं हैं। ओम शांति। दर्शकों ने सुना किस प्रकार से योग अर्थात राजयोग हमारा शरीर जिसको प्रकृति कहते हैं
और आत्मा जिसको पुरुष कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के बीच सामंजस्य का अद्भुत विज्ञान है। एक है ज्ञान जो राजयोग का बेसिक नॉलेज हमें चाहिए, और दूसरा है विज्ञान जो राजयोग का हम अनुभव करें। तो आपने ज्ञान भी लिया और विज्ञान भी देख लिया किस प्रकार से होता है। तो हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर अंकुश कोलते, आप आई सर्जन हैं और आपकी स्पेशलिटी रेटिना, तो आप हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं हमारे सामने कोरोना की महामारी एक बहुत बड़ी परीक्षा के रूप में उपस्थित हुई है, और हम मास्क तो पहनते हैं, हाथ भी बारंबार धुलाई करते हैं, मास्क में हमारा मुख नाक ढका हुआ रहता है लेकिन आंखें जो है वो खुली रहती है। तो हम आंखों की अभी और आगे की स्थिति से संभाल करें हम डॉक्टर अंकुश कोलते जी के द्वारा जानेंगे। डॉक्टर अंकुश कोलते जी अपने बचपन में ही ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से राजयोग का अभ्यास करते हैं, और राजयोग के अभ्यासी होने हेतु सभी से परिचित कराएं कि राजयोग स्वास्थ्य रखने के लिए मदद कैसे करता है, राजयोग हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य रखने के लिए मदद किस प्रकार से करता है। ओम शांति। आप सभी जानते हैं अभी जो परिस्थितियां है उस हिसाब से सभी लोग स्वास्थ्य के बारे में बहुत जागरूक हो गए, क्योंकि जो भी अभी संकट आया हुआ है उसमें सबसे मेन संकट है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। इसलिए हम हर प्रकार से स्वास्थ्य के लिए क्या किया जा सकता है इसके लिए अपन प्रयास कर रहे हैं। और मुझे बताने में खुशी होगी कि हम जो राजयोग का अभ्यास करते हैं इससे स्वास्थ्य में भी बहुत फायदे होते हैं। जैसे कि हम राजयोग के अभ्यास से हमारे कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एकाग्रता में वृद्धि होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो अपने हेल्थ पे बहुत गहरे असर करते हैं। जैसे अपनी विचारों की गति कम होती है उस हिसाब से हमारे शरीर में ऐसे ऐसे बदलाव होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ केमिकल सिक्रेट होते हैं जो कि हमारे शरीर को नॉर्मल रखने में मदद करते हैं, जिसमें एंडोर्फिन सीरोटोनिन नामक केमिकल्स रहते हैं। वो केमिकल्स हमारी नर्वस सिस्टम को जागृत करते हैं, उससे पूरे शरीर के हर नसों में प्रवाह होकर हमारे स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होती है। जिस प्रकार से विचारों की गति कम होने से ये न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ते हैं, तो आजकल जो समस्या बढ़ रही है कि डिप्रेशन आ रहा है या फिर मानसिक बीमारियां आ रही है, तो ये सुधारने में उसकी मदद होती है, क्योंकि ये सभी केमिकल शरीर में एक नेचुरल उत्साह निर्माण करते हैं और शरीर में एक प्रवाह निर्माण करते हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि राजयोग के कारण जो हमारा ब्रेन है वो बहुत नॉर्मल और शांत की तरफ होने लगता है। अनेक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि जब ब्रेन की ईईजी की जाती है यानी कि इलेक्ट्रिक वेव उसके रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो वेव नॉर्मल पर्सन के ग्राफ के अंदर गहन निद्रा के अंदर दिखाई देते हैं, वो राजयोग का रेगुलर अभ्यास करने वाले लोगों के अंदर मेडिटेशन करते वक्त या नॉर्मल दिन में भी ये दिखाई देते हैं, जिनको कि डेल्टा वेव्स कहा जाता है। तो ये डेल्टा वेव्स इंडिकेट करते हैं कि हमारी मन कितनी शांत है, और ये एक एक चीज़ हमारी स्वास्थ्य पे असर करते जाता है। उसके बाद अगला आता है कि जैसे हम राजयोग के अंदर सुप्रीम पावर से अपनी आत्मा को कनेक्ट करते हैं, तो हमारी आंतरिक शक्ति यानी कि आत्मिक बल बढ़ता है। आत्मा जो है वो शरीर में यहाँ भ्रुकुटी के अंदर निवास करती है, जो कि काफ़ी नज़दीक है अपने शरीर के पिट्यूटरी ग्लैंड के पास,
जो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पूरे शरीर की सभी ग्रंथियों की मुख्य ग्रंथि है। सभी ग्रंथियां शरीर की वो पिट्यूटरी ग्लैंड से नियंत्रित होती है। तो राजयोग के अभ्यास से ये ग्रंथियां नॉर्मल फंक्शन करने लगती है। सुबह जल्दी उठकर राजयोग का अभ्यास करने से शरीर का जो सर्कैडियन रिदम होता है, या फिर हम उसको बोले कि बॉडी क्लॉक होता है, जिसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो नॉर्मल होने में मदद होती है। ये हार्मोनल चेंजेस बिगड़ने से, सर्कैडियन रिदम खराब होने से हमारे अनेक बीमारियां हमारे अंदर आती है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ कोई इन्फेक्शन हो या फिर कोई कैंसर हो, कोई बीमारी हो, उसी से हमें रोग होंगे, बट सिर्फ नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब होने से भी हमारे अंदर बहुत रोग तैयार होते हैं। तो जब हम राजयोग का अर्ली मॉर्निंग अभ्यास करेंगे तो ये नॉर्मल बॉडी सर्कैडियन रिदम यानी कि बॉडी क्लॉक जो है वो नॉर्मल फंक्शन करने लगता है। जब ये नॉर्मल फंक्शन करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी नॉर्मल फंक्शन करेगी, उसके साथ साथ बाकी ग्रंथियां भी नॉर्मल कार्य करने लगती है। तो उसके कारण हम अनेक दूसरी बीमारियां यानी कि थायराइड, डायबिटीज, इनका भी राजयोग के द्वारा उसको कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। हमारे यहाँ राजयोग के गहन रिसर्च के अंदर माउंट आबू राजस्थान में ग्लोबल हॉस्पिटल के अंदर होलिस्टिक डायबिटिक केयर प्रोग्राम किया जाता है, जिसके अंदर ये देखा गया है कि लाइफस्टाइल चेंजेस, फूड चेंजेस और राजयोग के अभ्यास के द्वारा डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल होते जा रहा है और कई लोगों की दवाइयाँ भी कम हो रही है। तो ये अनेक हमारे शरीर के अनेक सिस्टम्स पर राजयोग का इफेक्ट होता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम रहता है हमारा कार्डियक सिस्टम यानी कि हमारा हृदय। तो जिस प्रकार से हमारी विचारों की गति कम होगी तो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो नस रहती है इसको वेगस नर्व बोलते हैं, तो विचारों की गति कम होने से हार्ट रेट भी नॉर्मल होने में मदद होती है। राजयोग के अभ्यास से ये भी देखा गया है कि बहुत सारे कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस जिनके अंदर ब्लॉकेज है और वो राजयोग का और लाइफस्टाइल चेंजेस का प्रॉपर पालन करते हैं तो उनमें वो बीमारियां कम हो रही है। ये गैड नामक एक प्रोग्राम माउंट आबू राजस्थान में चलाया जाता है, जिसके अंदर की ये बहुत गहन रिसर्च हुआ है और ये रिसर्च पेपर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक उसको मान्यता मिली है। इस प्रकार से राजयोग के अनेक फायदे हैं। राजयोग जो है इसके द्वारा इसके अंदर हम मानसिक योग के साथ साथ लाइफस्टाइल, फूड, इन बातों का भी ध्यान रखते हैं। आप सब जानते हैं कि जो बीमारियां है ये फूड के कारण भी आती है, न्यूट्रिशन के इम्बैलेंस के कारण भी आती है। तो राजयोग के पूर्ण अभ्यास के अंदर ये सभी पहलू उसमें कवर होते हैं। और आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए हम सभी लोग ढूंढते रहते हैं कि क्या किया जाए, वो है कि इम्यूनिटी बूस्ट करना। तो राजयोग के अभ्यास से जैसे मैंने कहा कि सर्कैडियन रिदम हार्मोनल लेवल नॉर्मल होती है तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। राजयोग के ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो कि हम प्रयास करें, और ये इतना सहज है कि हम अपने डेली लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी को कहीं बैठ के या कोई टाइम निकाल के करना है, बट शुरू में आपको एक बार सीखना है, फिर धीरे धीरे ये हम हमेशा अपनी लाइफ में इसको फॉलो कर सकते हैं। राजयोग के अभ्यास द्वारा पानी चार्ज करके हम अनेक बीमारियों को, मानसिक बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। ये पानी चार्ज करने की विधि जापानी साइंटिस्ट द्वारा वाटर मेमोरी के अंदर प्रूव की गई है, जिसको कि नोबेल प्राइज भी मिला है। तो हम इस राजयोग का अपने शरीर में अनेक जो फायदे होते हैं उसका अवश्य लाभ लें। ये करने में बहुत सहज है। तो मैं आप सबसे विनती करूँगा कि आप राजयोग सीखें और अपने स्वास्थ्य में उसके फायदे लें। इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए करके नहीं, फायदा नहीं है, बट हम इसको अपनी लाइफस्टाइल बनाइए, तभी ये धीरे धीरे अपने को फायदा देगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं, आप अवश्य इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।
राजयोग अर्थात हारमनी। हारमनी प्रकृति और पुरुष के बीच में, हारमनी हमारे आपसी संबंधों के बीच में, सामाजिक स्वास्थ्य के हिसाब से, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के हिसाब से हमने सुना। अब हमारे सम्मुख उपस्थित है ब्रह्मा कुमारी वर्षा बहन, जो बचपन से ही राजयोग का अभ्यास करते, लगभग 25 वर्षों से भी ज़्यादा। आपसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से इस राजयोग के द्वारा हम अपने आप में रिलैक्सेशन को प्राप्त कर सकते। रिलैक्सेशन अर्थात साइलेंस, हम अपने आप को सभी प्रश्नों से मुक्त करके प्रसन्न चित्त कैसे बना सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी वर्षा बहन, ओम शांति। अभी आपने डॉक्टर अंकुश भाई जी से राजयोग का कैसे प्रयोग होता है हार्ट के ऊपर, कैसे ब्लॉकेज खुलते हैं, डायबिटीज़ के ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च किया गया है कि राजयोग के द्वारा डायबिटीज़ कैसे नॉर्मल रहता है, बहुत सारी बीमारियों में राजयोग का प्रयोग किया जाता है। अभी आपने दीदी जी से राजयोग क्या होता है वो सुना और शांति की अनुभूति भी किया। अभी हेल्थ के लिए कैसे हम मेडिटेशन करें वो हम देखेंगे। परमात्मा कहो, सुप्रीम पावर कहो, वो सभी के सुप्रीम सर्जन है। शरीर की बीमारी कहो, आत्मा की बीमारी कहो, जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो वो ठीक होती है। ऐसे भी हम सभी जानते हैं कि 90% जो बीमारियां होती है वो साइकोसोमेटिक है। आज जो दौर चल रहा है उसमें डर का माहौल बना हुआ है, उसके कारण भी बहुत सारी मनुष्य आत्माएं डिप्रेशन में जा रही है। तो इसके लिए राजयोग एक जीवन पद्धति है, राजयोग एक जीवन जीने की कला है। राजयोग माना हमें अपने विचारों को दिशा देना है, सिर्फ बैठे हैं तभी नहीं, लेकिन दिन में कई बार हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। बार बार जब याद करेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, निर्भय हूँ, हाँ, कि ये जो भी बीमारी है इसका मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है, संकल्प में भी हमें ये नहीं लाना है कि कहीं मुझे ये हो न जाए, तो जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाते। तो अभी हम प्रैक्टिकल में मेडिटेशन का अपने शरीर के ऊपर कैसे प्रयोग करना है उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी दर्शकगण ये देख रहे हैं, आपके हाथ में कुछ होगा तो आप थोड़ा नीचे रख दीजिए, स्ट्रेट बैठ जाएंगे, सभी सीधा बैठेंगे। आपको चाहिए तो आप अपनी आंखें खुली रख सकते, चाहे तो बंद भी कर सकते। ओम शांति। अब हम अपना ध्यान अपने आसपास आने वाली आवाज़ों पर केंद्रित करें, सुनने का प्रयास करें। घर में अलग अलग तरह की आवाज़ आ रही होगी, बच्चों की, फैंस की, वहाँ पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अभी वहाँ से ध्यान हटाकर हम अपना ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करें, देखने का प्रयास करें। वहां से ध्यान हटाकर अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करें कि इस समय मेरे मन में कौन से विचार आ रहे हैं, ये विचार करने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूँ। अपने मन से बात करें, हे मन, अभी कुछ समय तक, कुछ मिनटों के लिए तू शांत हो जा, एकदम शांत। हम अपना ध्यान
इस शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है, आत्मा कहो एनर्जी कहो, जहाँ हम तिलक लगाते वहाँ पर है, पॉइंट ऑफ लाइट है, बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ मैं। बहुत निर्भय हूँ मैं आत्मा, शांत स्वरूप हूँ। जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे मेरा पिता परमात्मा गॉड ईश्वर वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, एनर्जी है, महाज्योति है, इन पांच तत्वों से परे रहने वाला वो एनर्जी फील करेंगे, वो शक्ति धीरे धीरे प्यार से उनको बुलाएंगे, हे परमात्मा आप नीचे आइए। वो एनर्जी नीचे आ रही है अपनी किरणें बिखेरते हुए, मेरे सिर के कुछ दूरी के ऊपर है। सर्वशक्तिवान परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है और मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। मेरा मन बहुत शक्तिशाली है, परिस्थिति कैसी भी है मुझे सकारात्मक सोचने की शक्ति है। निर्भय हूँ मैं, वो प्यार के शांति के वाइब्रेशन आ रहे मुझ तक। जैसे पानी का झरना होता है ऐसे उस सूर्य से सुप्रीम पावर से वो प्योरिटी के शांति के वाइब्रेशन मुझे आत्मा में आ रहे हैं और वो वाइब्रेशन पूरे ब्रेन में फैल रहे हैं। एकदम रिलैक्स, जो भी तनाव है वो दूर होता जा रहा है। वो वाइब्रेशन मेरे पूरे शरीर में आत्मा से होते हुए वो वाइब्रेशन मेरे फेफड़ों तक जा रहे हैं। एकदम रिलैक्स, वो शांति की शक्ति फेफड़ों को मजबूत कर रही है। फिर वो वाइब्रेशन हार्ट के अंदर, परमात्मा जो प्यार का सागर है उनके वो प्यार के वाइब्रेशन, थोड़ा बहुत कुछ ब्लॉकेज है वो खुलते जा रहे हैं। एकदम रिलैक्स है, मेरा दिल बहुत शक्तिशाली है। फिर वो वाइब्रेशन पेट का, मेरा डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह ठीक होते जा रहा है। ऐसे एक एक शरीर के अंग में वो वाइब्रेशन जा रहे हैं और मेरा शरीर निरोगी हो रहा है। सारे मसल्स में वो शक्ति का प्रवाह हो रहा है।
सभी मसल्स शक्तिशाली बन रहे हैं। प्रकृति ने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, इसलिए प्रकृति का भी हम दिल से धन्यवाद करें कि मेरा हार्ट इतने सालों से बिना रुके चल रहा है। मेरे हाथ, मेरे पैर बहुत अच्छे से काम दे रहे हैं और आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे। परमात्मा का शुक्रिया अदा करें। परमात्मा, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना अच्छा शरीर दिया। मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, निरोगी है। परमात्मा की शक्ति एक सर्कल के समान मेरे चारों ओर है, कोई भी बीमारी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। मैं बहुत निर्भय हूँ। अब परमात्मा से ये शक्ति लेकर हम अपने परिवार वालों को भी देंगे। सभी परिवार के सदस्यों तक उनको अपने सामने देखेंगे कि उनको भी परमात्मा की एनर्जी जा रही है और उनके आसपास भी एक ऑरा बन रहा है। मेरा परिवार पूरी तरह सुरक्षित है। कॉलोनी के अंदर ऐसे वो एनर्जी चारों तरफ फैल रही है। खास हम प्रकृति को भी योगदान देंगे। प्रकृति को हमने एक्सप्लॉइट किया, इसलिए ऐसा हुआ। परमात्मा से वो प्योर वाइब्रेशन प्रकृति के पास तत्वों को जा रहे हैं। प्रकृति के पास तत्व वो प्योर एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं। उनका शुद्धिकरण होते जा रहा है। ऐसे दिल से सभी का धन्यवाद करते हम। ओम शांति। अभी आगे का प्रोग्राम, आपके कोई सवाल होंगे आप पूछ सकते हैं। हम सब जानते हैं इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है घर बैठे योग और परिवार के साथ योग। दूर दूर से हम ये सुन रहे हैं, तो कुछ दर्शकों के हमारे सामने प्रश्न आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। पहला प्रश्न डॉक्टर किरण भाई जी के लिए है। पूछा गया है कि इस महामारी ने हमें क्या सिखाया है और राजयोग हमें इसमें किस प्रकार से मदद करता है, भयमुक्त करता है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि कोरोना की महामारी जो आई हुई है उसने हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाई और कुछ बुरी चीज़ें भी सिखाई। तो हम सबसे पहले कहना चाहेंगे कि अच्छी चीज़ें क्या सिखाई। अच्छी चीज़ें, बहुत सारे भाई बहनों को कोरोना ने आत्मनिर्भर बनाया। स्वयं का काम स्वयं के घर में स्वयं करें। घर में आने वाले नौकर बहुत कम जगह पहुंच रहे हैं, बहुत जगह लॉकडाउन होने के कारण नहीं आ पा रहे हैं। तो कोरोना ने सबको आत्मनिर्भर कैसे बनाया, अपने घर में हम अपना काम स्वयं कर रहे हैं। कोई कपड़े धुलाई कर रहा है, कोई स्वास्थ्य संभाल रहा है, कोई सफाई कर रहा है, खाना बनाने का,
बर्तन साफ करने का, हर काम करना स्वयं का स्वयं कर रहे हैं। और इसी थीम के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो हम सब अपने आप को जैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे वैसे ही हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। तो इसकी शुरुआत हम स्वयं से करें, ये हमें ये महामारी ने सिखाया। दूसरी बात जो है स्वच्छता, जैसे कि हम कहते हैं कि हम हाथ धोके इस बीमारी के पीछे पड़े हुए हैं, जैसे कि हर कोई बार बार हाथ धोते हैं। हर क्यों धोना है? क्योंकि ये जो बीमारी है ये फैलती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण, और ड्रॉपलेट्स हमारे मुख के द्वारा, नाक के द्वारा, आँखों के द्वारा कैसे जाते हैं। तो ये रोकने के लिए हमें बार बार हाथ धुलाई करनी है, सोप वाटर साबुन के पानी से, स्वच्छता से 20 सेकंड तक कम से कम हाथ धुलाई करनी है, ये हमें ये बीमारी ने सिखाया। और तीसरी बात है हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, तो नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ कॉन्शियस भी हो गया है। कोई कोई बुरी बातें इस बीमारी के कारण आई है, जैसे कि घर में डर पैदा हुआ है। हमारा एग्जाम्पल बताते हैं कि हम हॉस्पिटल चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, तो डॉक्टरों के मन में, कई हॉस्पिटल एम्प्लॉयज के मन में डर पैदा हो गया है कि ये बीमारी हमें ना लग जाए या हमारे कारण हमारे परिवार वालों को ना लग जाए। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हम रेगुलर योगाभ्यास करते हैं तो यही डर को हमें निकालना है। हम डर के कारण जी नहीं सकते हैं, हम निडर बन के इसका सामना करेंगे। हम जो भी प्रिकॉशंस है, जो भी केयर लेना है वो जरूर जरूर ले, और जितना डर को दूर रखे उतना अच्छा रहेगा। तो तीसरी बात है, कई लोग इस बीमारी के कारण डिप्रेशन में चले गए। जिनको बहुत जगह घूमने की, सोशल एक्टिव रहने की आदत थी, ऐसे लोग अकेले रह गए घर में तो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो हम ऐसे सभी दर्शकों को कहना चाहते हैं कि अगर आप भय, चिंता, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, अनिद्रा, ऐसे अनेक व्याधियों से अगर पीड़ित है, अगर ऐसे लक्षण आप में दिखाई देते हैं, तो आप जरूर जरूर राजयोगा का अभ्यास सीखिए या कोई भी शारीरिक व्यायाम कीजिए, अपने आप को प्रसन्न फ्रेश अनुभव करेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि ये बीमारी हमको पॉजिटिविटी सिखा के गई भी नहीं, चल रही है। हाँ, तो हम हमारे जीवन में हमारे आचार व्यवहार और विचार, ये सभी चीज़ों में हम पॉजिटिव बने। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम बार बार सैनिटाइजर का भी उपयोग करते हैं। तो जैसे कि हम सब जगह हाथ लगाते हैं तो सैनिटाइजर तो यूज़ करना ही है, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ये बीमारी जो है वो फैलती कैसे है, तो ये कॉन्टैक्ट्स के द्वारा फैलती है, न कि पैसों के द्वारा। जैसे पैसों की लेन देन करते हैं, हाँ हमें जरूर याद रखना है कि हम जो पैसे लेते हैं उसके बाद जो हाथ लगाते हैं पैसों को या नोटों को, तो वो नोटों का हाथ भी हमें सैनिटाइज करना है, हाथ धुलाई बार बार करनी है। हमें नोटों को सैनिटाइज नहीं करना है, क्योंकि नोटों को अगर आप सैनिटाइजर लगाएंगे तो नोटों का कलर चला जाएगा और वो कुछ काम की नहीं रहेगी। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। बहुत जगह पे अभी अल्ट्रा वायलेट रेज से सैनिटाइजेशन हो रहा है, तो जिसको वो पॉसिबल होगा, कई हमारे दवाखानों में, डॉक्टर्स में या दुकानदार, बैंक की जगह पे, जहाँ भी हम नोटों को यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट से सैनिटाइज करा सकते हैं। यहाँ कम से कम 30 सेकंड या एक मिनट वो नोट या करेंसी अल्ट्रा वायलेट लाइट के सामने अगर रहे तो वो सैनिटाइज हो जाती है अपने आप। दूसरी बात है, हमें बहुत बहुत ये जो सरफेस, क्योंकि हम जो बात करते हैं या खांसी करते हैं
तो उससे वो ड्रॉपलेट्स जो पहुंचते हैं ना, तो वो सरफेस पे गिरते हैं। तो हमें सरफेस डिसइंफेक्शन का बहुत बहुत ध्यान रखना है। घर की सफाई, हमारे टेबल, हमारे मोबाइल, उसकी क्लीन रखना उसकी जरूरी है। लेकिन सबसे पहले है हम मास्क का यूज करें। हर कोई बोलने वाला, देखो भाइयों, ये हमें बताते हुए हर्ष बहुत हो रहा है कि हर साल भारत में पोल्यूशन की वजह से या वातावरण के डस्ट की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, वो इस साल बिल्कुल नहीं सामने आ रही है। तो हमें ये देखना है कि हम जरूर मास्क पहने, बोलने वाला भी मास्क पहनेगा। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हर पेशेंट को, हर कर्मचारी को मास्क पहनना जरूरी है, ताकि हम स्वयं से इन्फेक्शन ना फैलाए और दूसरे का हुआ इन्फेक्शन हमें ना मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारा जो दूसरी बात, हमारे जो मोबाइल, वॉलेट, बेल्ट्स रहते हैं, उसकी भी आवश्यक रीति से सफाई हम रख सकते हैं। जैसे कि हल्के से कपड़े में सैनिटाइजर लेके हम बेल्ट क्लीन करें, बेल्ट को धुलाई नहीं किया जा सकता। हमारा वॉलेट जो है उसको हम क्लीन कर सकते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, मोबाइल्स है या करेंसी है, नोटे है या घड़ी है, ऐसे इक्विपमेंट्स को हम अल्ट्रा वायलेट रेज से कर सकते हैं। अभी हर एक के घर में अल्ट्रा वायलेट लैंप नहीं होता है, तो सबसे अच्छा है सनलाइट। सनलाइट में भी अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत सारे होते हैं। हम उसमें आधे घंटे, एक घंटे के लिए भी रख देंगे तो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात है, यूज किया हुआ डिस्पोजेबल मास्क जो रहता है, उसका ध्यानपूर्वक हम डिस्पोज करेंगे उसको, कि ताकि उसके उसको कोई ना उठा सके। हम डस्टबिन में डालेंगे या सरकार द्वारा जो जो प्रोवाइड किए हुए है कूड़ा कचरा दान, उसमें अच्छे से उसको कागज में लपेट के डालेंगे, इसलिए वो कि वो इन्फेक्शन दोबारा किसी को ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोरोना के पीछे किस प्रकार से हाथ धुलाई करके पीछे लगना है जो निकल जाए, बहुत अच्छी रीति से डॉक्टर किरण जी ने हमें बताया। अगला प्रश्न हम डॉक्टर विशाखा जी से पूछना चाहेंगे। सुना है कि ये जो बीमारी है ये उन्हीं को मृत्यु तक ले जाती है जिनके अंदर अपनी इम्यूनिटी पावर कम है या वो किसी अन्य रोगों से ग्रस्त है। तो हमें इस बीमारी के समय रोग प्रतिकारक शक्ति किस प्रकार बढ़नी है और राजयोग इसमें कैसा हमें सहाय करता है, आप प्रकाश डालेंगे डॉक्टर विशाखा गर्गे जी। जैसे आगे समय आने वाला है तो हमें सबको अपनी अपनी सुरक्षा करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये हम लोगों को भी पता है कि इतने लोगों के अंदर कोरोना पॉजिटिव आया, लेकिन उसके बाद में कोविड 19 जिसको नाम दिया गया ऐसे लोग बहुत कम आए। मतलब हर एक की प्रतिकार शक्ति के ऊपर हर एक ने काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हम लोगों को पता है कि कुछ बातें हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों से, आयुर्वेद शास्त्र से हमें मिली हुई है। एक तो हम आहार का अच्छी तरह से ध्यान रखें, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। इसके लिए हमारा आहार जो है एक तो ताज़ा होना चाहिए। हम अचार पापड़ इसको कम यूज़ करें, जो पैक फूड है उसको भी कम यूज़ करो। फिर सात्विक आहार होना चाहिए, मतलब वेजिटेरियन डाइट को हम लोग प्रिफर करें। आहार बनाते वक्त हमारी सोच बहुत अच्छी होना ज़रूरी है, और साथ में हम लोग भोजन करते हैं तब भी हमारे सोच को काफ़ी महत्व है। तो जो भी चीज़ें हम लोगों को अवेलेबल होंगी, निश्चित है कि सारे जीवन सत्व हमें ज़रूरी है वो मिलेंगे हमें सारे सब्जियों से और सारे फलों से। तो उनको अच्छी तरह से हम गर्म पानी से है, नमक पानी से है, या सोडा डाल के या पोटेशियम परमैंगनेट डाल के हम धो के उनको यूज़ तो करना होगा, हमें टोटली बंद नहीं कर सकते हैं। और जैसे सीजन के हिसाब से जो चीज़ें आ रही है उनका हम सेवन करें तो हमारी इम्यूनिटी वो बूस्ट कर सकते हैं। हम लोगों को व्यायाम के साथ जो ज़रूरी है वो ये है
कि हम लोग कुछ औषधियों का उपयोग पहले करें, तो वो हम हर्बल औषधियों को उपयोग करें, जैसे अभी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो कषाय काढ़ा अवेलेबल है वो तो सभी को पता ही है, वो मेडिकल स्टोर में भी है, वो हम 7 दिन ले सकते हैं। आर्सेनिक आल्प का भी यूज़ अच्छी तरह से है, 3 डोसेस लेने के बाद हर मंथ हम लोग 3 दिन वो डोज ले सकते हैं। हमारी लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए वो दवा हमें हेल्प करती है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा गाइडेंस से उसको ले सकते हैं। फिर तीसरी बात आती है कि जो बाहर लोग निकलेंगे उनके लिए इन्फेक्शन से बचने के लिए, तो पहले बात आती है हम मुंह को ढकेंगे, लेकिन नाक के द्वारा हम केयर लें, तो हमारे नाक के अंदर हम लोग नस्य ये जो क्रिया है वो हफ्ते में 1 या 2 बार हम लोगों को करना ज़रूरी है। उसमें हम सिंपल घी का यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास गोघृत है या घर में घी है, 2-2 बूंद हमें 1-1 नाक में डालना है, हफ्ते में 1 बार या 2 बार करो। इससे ये होगा कि अंदर जो हमारे नाक के अंदर की अंतस्त्व त्वचा है वो मॉइस्ट रहेगी, उसमें थोड़ी गर्माश रहेगी, वहाँ अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी अपना कार्य अच्छी तरह से करेंगे, तो इन्फेक्शन के चांसेस वहाँ से भी कम हो सकते हैं। हम कानों की सुरक्षा भी करते हैं, तो उसके लिए भी हफ्ते में 1 बार या 2 बार अगर कानों का दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें भी हम 2-2 बूंद कान में सरसों का तेल डाल सकते हैं। तो ये प्रिवेंशन जो है वो तो हमें लेना ही होगा। साथ में जैसे है त्रिकटू, मतलब सुंठ मीरे पिंपरी है, दालचीनी है, इन लवंग है, विलायची है, इनको हम लोग चाय के माध्यम से उनका काढ़ा या हम लोग कश्मीरी टी जैसे बनाते हैं उस तरह से बना के 2 बार ले सकते हैं। हमें तकलीफ होती है तो हम लोग आगे के लिए भी, क्योंकि ये है कि इन्फेक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग रूल आउट उसके माध्यम से कर सकते हैं। फिर अनेक रसायन जो है, जैसे वर्धमान पिंपली रसायन है, आमल की रसायन है, कुष्मांड पाक है, इनको हम लोग ले सकते हैं। तो कई तरीके से इस तरीके से हम अपने को स्वयं को बचा सकते हैं। हमारे दर्शकों में से अगला प्रश्न आया है कि यूँ तो हम मुख ढकते हैं जिसमें हमारा नाक और मुख भी ढक जाता है, लेकिन निरंतर जो खुली रहती है वो हमारी आँखें हैं, तो आँखें के लिए अभी और आगे के लिए हम कैसे संभाल करें? आप डॉक्टर अंकुश जी जो आई सर्जन हैं वो इस पर प्रकाश डालेंगे। ओम शांति। आप सभी जानते ही है कि ये लॉकडाउन के कारण सबको बहुत समय है और वो समय सबसे ज़्यादा बीत रहा है मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के ऊपर, जिसमें सबसे ज़्यादा काम हो रहा है आँखों का। बाकी सभी अवयव शांत बैठे और सबसे ज़्यादा काम हो रहा है आँखों का। उसके कारण आँखों पे कुछ जोर पड़ के कुछ लक्षण दिखाई देते, तकलीफ होती है, जैसे कि आँख में ड्राइनेस होना, दर्द होना, खुजली आना, आँखें लाल होना, पानी आना, ये सब चीज़ें अभी इस 2-3 महीने में काफ़ी बढ़ रही है। इसका कारण है मोबाइल और लैपटॉप। तो हम क्या करें, क्योंकि हमें इन उपकरणों का इस्तेमाल तो करना ही है, क्योंकि आजकल एजुकेशन है वो ऑनलाइन हो रहा है, बाकी सभी वर्क फ्रॉम होम है, तो काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो हमें इस्तेमाल तो करना है, लेकिन उसके लिए क्या खास ध्यान रखें? तो सबसे पहले है कि हम एक रूल ध्यान में रखें, उसको कहते हैं 20-20-20 रूल, ताकि जैसे हम कंटिन्यू जब मोबाइल या लैपटॉप देखें तो हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड तक 20 फुट के आगे की दूरी को देखें, जिससे कि आंखें रिलैक्स होती है। हम जब कंटिन्यू नज़दीक देखते हैं तो उससे आंखों पे जोर आता है और जो हमारा ब्लिंकिंग रेट होता है, ताकि पलक झपकने का रेट, वो कम हो जाता है, उससे ड्राइनेस होता है। तो जब हम ये रूल फॉलो करेंगे 20-20-20 तो ये लक्षण सब कम होंगे। आपको फिर से बताता हूँ, 20-20-20 मना हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट के आगे दूरी तक देखना है, जिससे आंखें रिलैक्स होगी। और ये बात तो हो गई हमारी इन दो आंखों की, बट
स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में हम बात करते हैं तीसरी आग की भी। तो तीसरी आग जो है वो कहा जाता है हमारी नॉलेज को। तो जो कंटेंट हमारा मोबाइल या टीवी के द्वारा हमारे में जा रहा है वो हमारे तीसरी आग के थ्रू जा रहा है, तो हम उसके बारे में भी ध्यान दें, अच्छा देखें, अच्छा पढ़े, अच्छा सुने और अच्छा सोचे, ताकि हमारी तीसरी आग यानी नॉलेज की आग, ज्ञान का नेत्र, वो भी हमारी स्वस्थ रहे। अच्छा, थैंक यू। इस प्रकार से आज हमने राजयोग किस प्रकार से संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये सारा स्वास्थ्य हमें कैसे प्रदान करता है ये सुना। आशा ही नहीं, विश्वास है, हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, बाद में इसको देखेंगे, तो आप लॉकडाउन पीरियड के बाद ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में सिखाया जाने वाला जो राजयोग है इसका अभ्यास जरूर करेंगे और संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। नमस्ते, ओम शांति, ओम सोम्स।